हेलो एम बाइबर्स मैं हूं यशी पांडे योर एजुकेटर एट एम्बाई और इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से अपने टेस्ट को खुद के लिए कस्टमाइज कर सकते हैं लेकिन सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा कि जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं आपने उसका गोल सिलेक्ट किया है या नहीं जैसे यहां पर मेरा सिलेक्टेड गोल एस क्लर्क है वंस द गोल इज सिलेक्टेड

आप इसे टैप करेंगे टैप करके आपके पास इस पेज को आप ओपन होता हुआ देखोगे जहां पर आपके स्पेसिफिक एग्जाम से रिलेटेड तीनों सब्जेक्ट्स ऑलरेडी मेंशन है रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश अब, से यू वांट टू गिव अ टेस्ट ओनली ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड न फॉर दैट यू कैन ईदर सिलेक्ट वन सब्जेक्ट और मोर देन वन सब्जेक्ट

नाउ दिस मीन कि आपका सारा चैप्टर एक साथ प्रिपेयर्ड है या फिर हो सकता है अभी तक आपने सिर्फ जियोमेट्री और पर्सेंटेजेस ही पढ़े हैं तो हम एक काम करते हैं हम जियोमेट्री और परसेंटेज पे क्लिक करते हैं और इन दोनों टेस्ट को खुद के लिए क्रिएट करते हैं अब इसमें भी हमारे पास दो ऑप्शन है क्या आप एक क्विक फाइव मिनट टेस्ट लेना चाहते हैं जो एम एप्लीकेशन आपके लिए खुद बनाएगा या फिर आप अपने टेस्ट को अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाहते हैं फॉर दैट ऑल यू नीड टू डू इट्स क्लिक ऑन कस्टम टेस्ट कस्टम टेस्ट पर क्लिक करते ही आपके पास फिर से बहुत सारे ऑप्शन ऑलरेडी काफी बार पढ़ाए पर आपको ऐसा लगता है कि इस चैप्टर को पढ़ के आपकी तैयारी अच्छी खासी है ऐसे में हो सकता है आप इजी न रखना चाहते हो अपने टेस्ट को और आप इसे मीडियम बनाना चाहते हो तो ऐसे आप अपने टेस्ट के डिफिकल्टी लेवल को खुद के लिए कस्टमाइज कर सकते हैं या फिर अगर एग्जाम्स हैं तो आप इन्हें हार्ड भी बना सकते हैं यही नहीं आप इस टेस्ट के ड्यूरेशन को भी खुद के लिए बना सकते हैं क्या आप हार्ड लेवल का टेस्ट 15 मिनट्स के लिए देना चाहते हैं और 30 मिनट्स के लिए और 45 मिनट्स के लिए या फिर 60 मिनट्स के लिए से हमें टेस्ट सिक्सटी मिनट्स का देना है क्योंकि हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है ऑल्सो आप अपने लिए अपने हिसाब से क्वेश्चन के मार्क्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं से आई टू गिव फॉर क्योंकि मेरा एग्जाम नेगेटिव मार्किंग भी रखता है तो मैंने यहां नेगेटिव मार्किंग माइनस वन कर दिया वंस everything is customized according to your will all you need to do is name your test as well now for that say kyunki aap quants ka test de rahe hain to aapne yahan pe press kiya quant 1 That means quant का ये आपका पहला टेस्ट है जो हार्ड लेवल में आप अपने लिए करके ट्राई करना चाहते हैं Then you can just create on. Then After tapping on the next button, a test will be generated. And now this test has everything that you require. Say, आपको यह भी पता चलेगा कि आपका test quality score कितना है यानी कि इस test से related कितने questions आपके exam specific होते हैं आपके exam point of view से relevant है जैसे ये test 84% आपके exam से aligned है साथ ही साथ यहां पे आपको इस समरी भी दिखेगा कि आपका टेस्ट वन आवर का होगा हंड्रेड क्वेश्चन होंगे और फोर हंड्रेड मार्क्स होंगे ऑल्सो वंस यू स्टार्ट टेकिंग द टेस्ट योर टेस्ट एनालिसिस विल बी प्रेजेंटेड टू टू यू एंड दैट इन परसेंटेज यानी कि आपने कट ऑफ क्वालिफाई किया या नहीं किया ये सब कुछ आपको यहां पे देखने को मिलेगा साथ ही साथ आप इस टेस्ट के बारे में सब कुछ जान सकते हैं जैसे वट इज योर प्रोग्रेस ऑन दिस सिलेबस यानी आपकी अटेम्प्ट क्वालिटी आपका सिंसियरिटी स्कोर कितना है और रेकमेंडेड लर्निंग टू एस टेस्ट आपने परसेंटेज सिलेक्ट तो किया बट डू यू नो एनीथिंग अबाउट परसेंटेज फॉर दैट देर आर सर्टेन एम्बाइड एक्सप्लेनर अडियोज अवेलेबल दैट विल बी दैट विल बी रेलिवेंट टू द एग्जाम और द टेस्ट दैट यू आर गोइंग टू टेक ऑल्सो आप रेकमेंडेड प्रैक्टिस टेस्ट भी हमारे यूज कर सकते हैं जो एम्बाइड एक्सप्लेनर्स को पढ़ने के बाद आप यूज कर सकते हैं से यू वॉन्ट टू गिव अ शॉर्ट टेस्ट जैसे कि फर्स्ट टॉपिक परसेंटेज में आपके पास 1241 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं फ्रॉम 47 डिफरेंट बुक्स व्हाट एल्स यू नीड चिल्ड्रन आल्सो मोर टेस्ट ऑन दिस सिलेबस को क्लिक करने के बाद आपके पास इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड और भी बहुत सारे छोटे छोटे टेस्ट क्रिएट हो जाएंगे फिलहाल जिस टेस्ट को हमने क्रिएट किया है चलिए आइए उसे बनाकर देखते हैं वंस एवरीथिंग इज सॉर्टेड जस्ट क्लिक ऑन द स्टार्ट टेस्ट ऑप्शन नाउ एम बी आस्क यू दैट यू आर अबाउट टू एंटर द रियल टेस्ट लाइट एनवायरमेंट दैट ऑल यू नीड टू डू इज क्लिक ऑन द कंटिन्यू बटन इज टू क्लिक ऑन द कंटिन्यू बटन ना दीज आर द इंस्ट्रक्शंस है ना फीलिंग बिल्कुल एग्जाम की इंस्ट्रक्शंस में आपको क्लियरली दिखेगा कि आपने किन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं किया है किन क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट किया है किन क्वेश्चंस को आपने करेक्टली आंसर किया है और किन क्वेश्चंस को आपने सिर्फ मार्क करके छोड़ दिया है ना इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है नाउ यू नो एवरीथिंग अबाउट द टेस्ट एंड ऑल यू हैव टू डू इज just accept the instructions given once you accept it i am ready to begin after clicking on this option an entire test is here for you to take this is where the timer goes on these are the answers which you will either get correct or maybe you will not be attempting or maybe you will be not getting these corrected यहां पर आप अपने ऑप्शन्स पे जाकर अपने टेस्ट को ले सकते हैं यहां पर आप अपने टेस्ट को क्रिएट करने के बाद इस टेस्ट को दे सकते हैं नेगेटिव मार्किंग और करेक्ट आंसर्स के मार्क आपके सामने हमेशा रहेंगे वंस एवरीथिंग इज डन यू विल सेव एंड नेक्स्ट इन दिस वे यू विल बी ऑप्टिंग फॉर द सेकेंड क्वेश्चन एंड ऑल्सो फॉर मी फॉर नाउ आई वॉन्ट टू सबमिट माई टेस्ट दो आई वॉन्ट एवरी वॉन्ट टू कंप्लीट दैट टेस्ट वंस क्रिएटेड अब यही नहीं टेस्ट का आपके पास एक फीडबैक भी मिलेगा जिसे हम आपके साथ एनालाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आई होप आप लोगों को टेस्ट क्रिएट करना अब तक आ गया है आई होप आप सब लोग अब तक टेस्ट क्रिएट करना सीख गए और इससे जुड़े सारे ऑप्शंस आपने कंसिडर भी किए होंगे आई होप आप सब लोग अब अपना टेस्ट खुद से कस्टमाइज करके अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करेंगे। और ऐसे ही कई सारे छोटे छोटे टेस्ट आप अपने लिए अपनी कन्वीनियंस और अपने टाइम को नजर रखते हुए बना सकते हैं आई होप a very big अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर ईच स्टूडेंट हु दिस वीडियो की